और बता दें आपको बड़ी खबर, हम अपनी ही यूपीए सरकार पर मनीष तिवारी हमला बोल रहे हैं। मुंबई आतंकी हमलों को लेकर यूपीए सरकार पर निशाना साध रहे हैं मनीष तिवारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा, हमले के बाद भारत को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए थी। और देखिए किस तरीके से 26/11 के बाद शब्दों से ज्यादा कार्यवाही दिखनी चाहिए थी, ये बात भी उन्होंने लिखी है, भारत को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार पर, यूपीए पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से बड़ा हमला अपनी ही पार्टी पर यहाँ वो खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी ही किताब में लिखा कि 26/11 हमले के बाद भारत को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये बड़ा बयान, ये बड़ी बात अपनी ही किताब में कही है और अपने ही इसी बात से अब अपनी ही सरकार पर, अपनी यूपीए ही सरकार पर मनीष तिवारी हमला बोल रहे हैं। मुंबई आतंकी हमलों को लेकर यूपीए सरकार पर निशाना साध रहे हैं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। उन्होंने अपनी ही किताब में लिखा कि 26/11 हमले के बाद भारत को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। 26/11 के बाद शब्दों से ज्यादा कार्रवाई दिखनी चाहिए थी, ये बात अपनी किताब में कही है मनीष तिवारी ने।